हेलो भैया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सबका कि आप सब ने मेरी हौसला अफजाई की है और मेरे मैसेजेस को देखा है और उन्हें फॉरवर्ड भी किया है, शेयर भी किया है, लाइक किया है। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपसे विनती करूँगा कि यदि आप नए हैं, पहली बार इस चैनल पर हैं, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके, और लाइक करें, शेयर करें मेरे मैसेजेस को और बहुत से लोगों तक परमेश्वर के जीवित वचन को पहुंचाएं। हालेलुया। यदि आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद हूँ। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आज एक और महत्वपूर्ण विषय बाइबल से मैं लेकर आया हूँ और वो विषय हमारे सबके लिए, सभी मसीहों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए और हर एक उस जन के लिए जो बाइबल पढ़ता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं गुजारिश करूंगा कि शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि जो बातें वचन में से परमेश्वर ने मुझे दी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। हालेलुया। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं आज के वचन को शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया प्रभु। दिन भर तो हमारे साथ रहा प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु आज के वचन के लिए खासतौर से विनती करता हूँ प्रभु जी। आज के वचन को प्रभु जी प्रचार करने में, शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, ताकि जो गुण भेद की बात तो आज हम पे प्रकट करना चाहता है उसे हम तेरे आत्मा के द्वारा जान सकें। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने वो समय, मौका, अवसर हमको दिया है कि उसके जीवित वचन पर हम मनन करें। तो समय को जाया न करते हुए मैं जल्दी से आज के टॉपिक पर आता हूँ। आज का टॉपिक है विपत्ति का समय। हालेलुया। आज का टॉपिक है विपत्ति का समय। हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व एक बहुत बड़ी विपदा से, एक बहुत बड़े त्रासदी से और एक बहुत बड़ी विपत्ति से गुजर रहा है। और हम जानते हैं कि जो एक वायरस जो चाइना से चला था वो कहाँ से कहाँ होते हुए इंडिया में भी है, और आज इंडिया की परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा केस हो गए हैं, 1 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के केस हो गए हैं। और ये बहुत ही सोचने वाली बात है, इसे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। और हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोग हमें ईसाई कह के पुकारते हैं, क्रिश्चियंस कह के पुकारते हैं, और लोग जानते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया। तो मैं सबसे पहले आपको एक कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आज के वचन में चलूंगा। तो ये एक मेरे पास रिकॉर्ड है आज का, आज जो तारीख है उसका रिकॉर्ड है मेरे पास कोरोना वायरस का। इंडिया में 1,07,819 टोटल केस हैं, 1,07,819। आप उसे देख सकते हैं। यह है 1,07,119, ये इतने केस हैं आज की डेट में। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, इतने केस इंडिया में हैं। हालेलुया। और मैं आपको और जानकारी दे दूं, इसमें से 3,317 लोग मर चुके हैं और 43,070 जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। हालेलुया। हम देखेंगे आज ये वचन इस विषय में हमसे क्या बातचीत करता है। तो एक वचन मेरे पास है बहुत अच्छा, मैं उसे आज शेयर करना चाहता हूँ। नीति वचन 22 अध्याय है और उसका 3 पद है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी ये वचन मेरे और आपके लिए है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 22 अध्याय और उसके 3 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देख कर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। हालेलुया। लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। चतुर मनुष्य, चतुर का मतलब बाइबल बुद्धिमान को कहती है। हालेलुया।
चालाकी को नहीं कहती है यहाँ पर बाइबल, बाइबल जहाँ पर चतुर शब्द आता है वहां पर बुद्धिमान व्यक्ति का जिक्र करती है। और नीचे लिखा है दूसरे लाइन में, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भुगते हैं। भोले लोग वो भोले भाले लोग नहीं लिखा है यहाँ पर, बाइबल भोले लोगों को मूर्ख लोग कहकर घोषित करती है। हालेलुया। तो दोनों शब्दों को देखें, चतुर और भोले। चतुर कौन है? जो बुद्धिमान है। भोले कौन है? जो मूर्ख है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से पढ़ता हूँ आप इसे, जब आप नीति वचन पढ़ेंगे आज के बाद तो इस बात को ध्यान में रखना कि जो चतुर मनुष्य है बाइबल या नीति वचन में उसको बुद्धिमान कहा गया है, और जिसे भोला कहा गया है वो मूर्ख है। हालेलुया। तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भुगते हैं, परंतु मूर्ख लोग आगे बढ़कर दंड भुगते हैं। हालेलुया। तो अभी जो विपत्ति का समय पूरे विश्व में चल रहा है, दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे और जब यीशु मसीह देखते थे कि लोग उन्हें मारने आ रहे हैं, तो वो चुपचाप से वहां से निकल जाते थे, दूसरी जगह चले जाते थे। ये बुद्धिमत्ता है दोस्तों, क्योंकि यदि हम अपने जीवन को मार देने के लिए अभी से दे देंगे तो हो सकता है कि कल परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़ा काम रखा हो, हम जो प्रचार करना कल चाह रहे हैं उसके द्वारा कुछ आत्माएं बचाना चाह रहा हो परमेश्वर, तो उन्हें कौन बचाएगा, फिर वो रह जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत ही बुद्धिमत्ता से, बहुत ही समझदारी से, चतुराई से हमें अपने जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ और के समान भेजता हूँ, इसीलिए चौकस रहो, तुम सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। हालेलुया। तो हमें क्या बनना है? चतुर बनना है, बुद्धिमान बनना है, ताकि इस कोरोना वायरस की दुष्टात्मा से हम लोग बच सके। हालेलुया। आइए एक वचन में थोड़ा सा और आगे बढ़कर बताऊंगा आपको, उसके बाद में वापस यहाँ पर आऊंगा, एक खास बात आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, तो वो कहाँ छिप जाता है, तो आज इसको हम देखेंगे। ठीक है, आइए इससे पहले हम देखते हैं भजन संहिता, निकाल लीजिए अगर आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो, भजन संहिता और उसका 39 अध्याय 39, और उसका मैं पढ़ रहा हूं 10 पद। हालेलुया। यहां पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझ पर से दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूं। हालेलुया। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली, देखिए दोस्तों, शैतान की या मनुष्य की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे को छू जाए या हम पर अटैक करे या हमें मृत्यु की ओर ले जाए, ये किसी के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। अगर हम पूरी बाइबल को पढ़ें तो बहुत जगह लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा रोग आते हैं, परमेश्वर के द्वारा कष्ट आते हैं। भजन संहिता 107 में भी आप पढ़ सकते हैं, और निर्गमन 15 और उसकी 26, इसके 26 पद में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजे हैं उनमें से एक भी रोग तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया। तो विपत्ति के लिए यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि 10 पद पढ़ रहा हूं, भजन संहिता 39 उसका 10 पद, यहाँ लिखा है, तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। हालेलुया। बहुत लोग मर रहे हैं दोस्तों, बीमारी बुरी तरह से फैलती चली जा रही है, इंडिया का हाल बहुत बुरा होता चला जा रहा है, क्योंकि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग को मान नहीं रहा है, भीड़ लगा रहे हैं लोग, बहुत बुरा हाल है इंडिया का। जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो सारी बातें हमारे सामने आती हैं और हम बहुत विचलित हो जाते हैं इस चीज को देख करके, कैसे हम इस रोग से लड़ पाएंगे, इस वायरस से लड़ पाएंगे अगर हम इस तरह से सारे कानूनों को, कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, अगर हम कानून को नहीं मानेंगे। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि हम क्वारंटीन में रहें, हम घरों में रहें, लॉकडाउन का हम पालन करें, घरों में रहें, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने पढ़कर बताया आपको, नीति वचन 22 अध्याय और उसका 3 पद दोबारा से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। हालेलुया। क्या लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भुगते हैं। हालेलुया। जो भीड़ लगा रहे हैं, अभी हमने देखा इंडिया में कि जब शराब की दुकानें खुल गई तो वहां भीड़ की भीड़ शराब खरीदने के लिए निकल गए, महंगी कर दी सरकार ने शराब, फिर भी मृत्यु को खरीद रहे हैं लोग अपने हाथों से। हालेलुया।
मृत्यु को खरीद के उसको अपने पास लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। तो मतलब है यहाँ पर लिखा है कि चतुर मनुष्य, हमें बुद्धिमान होने की जरूरत है दोस्तों। अगर हमें कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ना है, यदि हमने कोरोना वायरस से लड़ना है, उससे मुठभेड़ करनी है, तो हमें हमें वचन के ऊपर चलना होगा। वचन कहता है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। हमें छिपने की जरूरत है दोस्तों, हमें क्वारंटीन में होने की जरूरत है दोस्तों, हमें लॉकडाउन का हमें पालन करना है दोस्तों। हमें अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करना कि बहुत दिनों का घर में पड़े पड़े घूम ही लें, बहुत जिंदगी पड़ी है। एक संसारिक कहावत लोग कहते हैं कि जान है तो जहान है, ये बात सच है। अगर जीवित रहेंगे तो हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहली हमारी अहमियत है, हमारी प्रियोरिटी होनी चाहिए दोस्तों कि हम सबसे पहले अपने जीवन को बचाएं। हालेलुया। तो जीवन को बचाने के लिए वचन क्या कहता है, वचन में लिखा है चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। कहाँ छिपना है हमको, हम लोगों को, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के दास दासी हैं, हम प्रभु के विश्वासी हैं, हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हमें कहाँ पर छिपना है दोस्तों, इस बात को जान लीजिए। हमें अपनी अपनी प्रार्थनाओं में अपने आप को छुपा लेना है दोस्तों, हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू में छुपा लेना है दोस्तों, हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साय तले बनाकर अपने आप को छुपा लेना है दोस्तों, हमें प्रभु के वचन से अपने आप को ढांप लेना है, हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूतों के बाड़े में ढांप लें, ताकि शैतान या बीमारी ये कोरोना वायरस हमको छूने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया दोस्तों, ये बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। तो छिपने का समय है दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया है इसमें अपने फोन में कि किस प्रकार से ये जो बीमारी है बढ़ती चली जा रही है। इंडिया का हाल है 1,07,819 केस इंडिया में है आज की डेट में 1,07,819 केस इंडिया में है। हालेलुया। और भी केस बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर हम सजग नहीं हुए, अगर हम सावधान नहीं हुए, अगर हम बुद्धिमान ना बने, अगर हम चतुर नहीं बने, तो एक दिन ये कोरोना वायरस हमें भी लील लेगा, हमें भी अपने गिरफ्त में ले लेगा दोस्तों। तो बहुत जरूरी है चतुराई दिखाने की, बहुत जरूरी है सजग हो जाने की, सतर्क हो जाने की, ताकि हम अपने आप को क्वारंटीन करें और अपने आप को लॉकडाउन में बंद करके इस कोरोना वायरस को लताड़ सकें और उसे कह सकें कोरोना वायरस तुझसे बड़ा मेरा यीशु है। हालेलुया। आइए अंत में एक वचन और पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। ये है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 26 अध्याय और उसका 20 पद है। यहाँ लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। हालेलुया। जब तक परमेश्वर, ये परमेश्वर का क्रोध है दोस्तों, जो पूरे विश्व के ऊपर इस समय भड़का है। हालेलुया। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि लोग परमेश्वर को भूले बैठे थे, लेकिन उसने भी बता दिया, उसने भी जता दिया कि मैं हूं। हालेलुया। ये बीमारी भेजकर परमेश्वर ने बता दिया कि मैं हूं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि अपनी अपनी कोठरी को बंद करके उसमें छुप जाओ। तो कोठरी का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, जब यीशु मसीह मत्ती 6 अध्याय में कुछ बातचीत करते हैं, वो हमें धर्म के काम बताते हैं, तो एक बात हमको बताते हैं वो कोठरी के विषय में। आइए उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ये लिखा है मत्ती 6 अध्याय उसके 5 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। लिखा है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। आप देखिए ध्यान से सुनिए 6 पद। यानी कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। कोठरी में जाने के लिए कहा है, जैसे यशायाह 26 और उसके 20 पद में मैंने पढ़ा कि अपनी अपनी कोठरी में जाओ और किवाड़ बंद कर लो, अपने आप को प्रार्थना में छुपा लें, हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपा लें दोस्तों, हम इस कोरोना वायरस से लड़े, इसे लताड़ दें और इससे कहें क्या है कोरोना वायरस, है शैतान तेरा मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, मेरे शहर में, मेरे देश में तेरी जगह नहीं है।
दूर हो जा, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, यीशु के नाम से दूर हो जा। हम अपने आप को जब प्रार्थनाओं में छुपा लेंगे तो वो दुष्ट हमें छूने भी नहीं पाएगा। लिखा है पहला यूहन्ना 5:18 पद में कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, लेकिन जो उससे उत्पन्न हुआ है परमेश्वर उसको बचा कर रखता है और वो दुष्ट से छूने भी नहीं पाता। हालेलुया, वो दुष्ट से छूने भी नहीं पाता, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बाड़े में हैं। कोरोना वायरस हमें छू नहीं पाएगा। भजन संहिता 91:10 पद में लिखा है कि तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो, यानी कि वो कोरोना वायरस तेरे पास ना आएगा, वो महारोग तेरे पास ना आएगा। हालेलुया, तो दोस्तों बहुत ही बुद्धिमान होने की जरूरत है इस समय, बहुत ही बुद्धि से चलने की जरूरत है। हम नादान ना बने, हम भोले ना बने, हम मूर्ख ना बने, हम विपत्ति से भिड़ने के लिए ना चले जाएं, हम समझदार बन जाएं, हम बुद्धिमान बन जाएं, वचन को पढ़ें और देखें कि परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है। हालेलुया, तो हम जब ऐसा करेंगे, जब हम अपने आप को छुपा लेंगे अपने प्रार्थनाओं में, अपने यीशु मसीह के लहू में और वचन में जब अपने आप को छुपा लेंगे, तब हम इस रोग से लड़ सकते हैं, इसको लताड़ सकते हैं। क्योंकि ये रोग छूने से आता है दोस्तों, ये हवा में नहीं घूम रहा, ये छूने से बढ़ता है। इसलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें ताकि हम इस रोग से बच सकें। ये बुद्धिमत्ता की बात है दोस्तों, ये मूर्खता की बात नहीं है। हम इस बात पे गौर करें। वचन में भी लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है और भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। तो हालेलुया, हम दंड भोगने के लिए नहीं है दोस्तों, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें चतुर बनना है, बुद्धिमान बनना है, अपने प्राणों को बचाना है, ताकि आज अगर हम बचें तो कल बहुत से लोगों को हम बचा सकें। हालेलुया, तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें समझ बुद्धि ज्ञान दे ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। हालेलुया, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं एक बार फिर से गुजारिश करूँगा, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे जो मैसेजेस हैं उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर आज मुझे बताइए कि आज के वचन से आपने क्या सीखा है। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करे, परमेश्वर आपकी कमी घटियों को दूर करे, परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे और परमेश्वर अपने आगमन के लिए आपको तैयार करे। हालेलुया।